हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। देखिए, आज मैंने साड़ी पहन ली है, बहुत दिनों बाद पहनी है। ये पहनी है मैंने साड़ी, सिंपल सी पहन रखी है। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी जो मेरे पास ज्वेलरी है उसको मैं दिखाने वाली हूँ। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, कुछ अमेजोन के थ्रू, कुछ फ्लिपकार्ट के थ्रू मैंने ये मंगा रखी है। हल्द्वानी में तो मैंने आपको अपनी ज्वेलरी दिखा रखी है, कुछ ज्वेलरी मेरी रामनगर में भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आज आपको उसका कलेक्शन दिखाया जाए। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने लिए ब्रेसलेट मंगाया था, ये यू बेला का। मैंने हल्द्वानी में ही मंगाया था, लेकिन मैंने इसे ही मैं यहाँ ले आई, मुझे बहुत अच्छा सा लगा था। देखिए, जैसे आप घड़ी नहीं पहनना चाहते हैं तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। ये देखिए लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। बिल्कुल इसमें जर्किन के नक्स वगैरह लगे हुए हैं। ये मैंने अमेजोन के थ्रू मंगाया और अभी मतलब कुछ दिन पहले ही मैंने मंगाया है। और ये बहुत महंगा भी नहीं है, 250 के आसपास ही आपको आराम से मिल जाएगा। और ये सूट में, इस पे जीन्स वगैरह में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। एक और ब्रेसलेट मैंने अमेजोन के थ्रू मंगाया था, बहुत अच्छी पैकिंग में आया है। ये मैंने अभी ओपन करा है, ये जो बबल वाली पॉली होती है उसमें पैक होके आया है ये। काफी अच्छे ढंग से रैप करके आया है, ब्लैक कलर का। मुझे, मैंने आपको बताया कि ताकि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। ये देखिए, ये ब्रेसलेट और ये रिंग, ये रिंग का सेट है। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है इसकी रिंग और ये है इसका ब्रेसलेट। ब्लैक कलर के इसमें जो थोड़े मोती लगे हुए हैं, जो कुंदन की तरह लुक दे रहे हैं, और जो इसके जो इसको ज्वाइंट कर रखा है, ये गोल्डन कलर के तारों द्वारा इसे अच्छे ढंग से ज्वाइंट कर रखा है। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप ब्लैक सूट के साथ, ब्लैक साड़ी के साथ या गोल्डन साड़ी के साथ वियर करें तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे ये पहन लिया है। अभी मैंने थोड़ा लूज सा ही पहन रखा है और ये रिंग भी पहन लिया। देखिए कितने अच्छा, मतलब लाइट अच्छी सी शाइनिंग लग रही है, बहुत प्यारा लग रहा है इसमें लुक। मतलब इसका लुक बहुत ही अच्छा है गर्ल्स के, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। खैर, मैंने भी मंगा लिया अपने लिए, हम भी पहन सकते हैं, लेकिन गर्ल्स पे ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं आपको अपनी कुछ ज्वेलरीज दिखाती हूँ। मंगा तो मैंने पहले ली थी और मैं थोड़ी बहुत दिखा भी रखी है, लेकिन मैंने कहा फिर से दिखाती हूँ। उस समय मैंने खाली ऐसे ही दिखा दी थी अपने ब्लॉग के बीच में, उस समय मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इसका अलग से कलेक्शन दिखाना चाहिए। तो ये है मेरी गोटा ज्वेलरी, इसका सेट है। येलो कलर का मंगाया, जब मैंने ये अमेजोन के थ्रू मंगाया था तो इसमें बहुत सारे कलर्स थे, आप चाहे किसी भी कलर का मंगा सकते हैं। मतलब इसकी पैकिंग ही बहुत अच्छी आई थी। ये देखिए, प्लास्टिक बॉक्स में ही ये रख के आया था और इसमें ये नीचे घुंघरू लगे हुए हैं, गोटा पट्टी ज्वेलरी कहलाती है, ये गोटा लगा हुआ है और बीच में ये नग लगे हुए हैं। इसके साथ मुझे ये रिंग मिली थी, ये हैंगिंग वाले इयररिंग सेट में, ये हुक वाले मिले थे, इयररिंग सेट मिला था और साथ में मुझे एक ये मांग टीका भी मिला था। अब मैं आपको ये वेयर करके दिखाती हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है लहंगे के साथ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने खुद पहन रखा है लहंगे में, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये देखिए, ये मैंने पहन लिया है इयररिंग्स, ये नेकलेस ही समझ लीजिए, पट्टी साइड टाइप का, और मांग टीका, और ये एक ये मैंने माला टाइप का मंगा रखा है। ये भी सेट है, इसमें कान इयररिंग्स है और ये गले का नेकलेस है। ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये स्पेशली सूट के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए इसकी इयररिंग्स और ये मुझे यूनिक सा अच्छा सा लगा था, थोड़ा मॉडर्न लुक टाइप का है। आजकल के जो गर्ल्स हैं ये सब बहुत पसंद करती हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मंगा लिया जाए। और इसमें ग्रीन बीट्स हैं, ऑरेंज है, मैरून है, अलग अलग कलर के हैं। ये काफी टॉप्स वगैरह सूट के साथ ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने पहन लिया है, ये भी शायद 250 के आसपास था। ये तो मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, अगर मुझे इनके लिंक मिल जाएंगे
तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे शो कर दूंगी, तो आप इसे देख लीजिएगा इस ज्वेलरी को। ये भी देखिए, अगर सूट के साथ अगर इसे पहनेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैंने एक शाइनिंग दिवा के थ्रू दो तीन तरह की ज्वेलरीज मंगा रखी है, जिसमें से ये मंगाई है मैंने अपनी ब्लैक साड़ी के लिए, ब्लैक कुंदन में। ये मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, ये लगभग 450 के समथिंग मुझे पड़ी थी, तो मुझे ये बहुत ही पसंद आई। मैंने कहा जो ब्लैक कलर के सूट्स होते हैं उसमें ये बहुत अच्छी लगेगी, या साड़ी के साथ ये वेयर करने में बहुत ही अच्छी लगेगी। इसके साथ मुझे ये नेकलेस और ये इयररिंग। जब मैंने हल्द्वानी में अपना ज्वेलरी कलेक्शन डाला था, तब मैंने कहा था जो ये वाली ज्वेलरी है शाइनिंग दीवा की, मेरे पास ग्रीन कलर की भी है, ये देखिए ये मैंने यहाँ रख रखी थी, और मैरून और ब्लू मैंने वहाँ पर रख रखी थी। तो इसमें बताने वाली तो कोई बात ही है, नेकलेस है, इयर रिंग्स है, और इसमें एक मांग टीका भी है। तो ये ग्रीन साड़ी के साथ या ग्रीन सूट के साथ ये वियर करने में बहुत ही अच्छी लगती है। मैं पहन नहीं रही हूँ, खाली ऐसे ही शो कर दे रही हूँ। अमेजोन के थ्रू ही मैंने एक ये सेट मंगा रखा है पिंक कलर का, पिंक साड़ी या पिंक सूटों के लिए। ये देखिए ये कुछ ऐसा लुक देता है पहन के, अच्छा लगता है। वैसे ये साड़ी के साथ भी मैच करेगा, क्योंकि इसका बॉर्डर जो है वो पिंक कलर का है। तो ये भी 450 या 400 के समथिंग मुझे पड़ा था। इसमें मुझे इसके साथ मिला है ये इयर रिंग्स, और एक मिला है मुझे ये मांग टीका। तो ये भी पहन के बहुत अच्छा लगता है, और पिंक्स और थोड़ी मिक्स जो कलर्स की साड़ियाँ होती हैं उनके साथ ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। इसके अलावा एक ये रेड कलर का सेट है डबल लेयर में, कुंदन में ही है, और मैंने अमेजोन के थ्रू ही इसे खरीदा है। रेड साड़ी के साथ मैंने सोचा ये बहुत अच्छा लगेगा, तो वैसे मैंने अभी तक इसे पहना नहीं है, लेकिन लुक वाइज ही मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये इसके साथ मुझे मिला है ये मांग टीका और ये इयररिंग्स, तो ये पहन के भी बहुत ही अच्छा लगता है। एक ये सेट खरीदा है मैंने हसली लुक में, ये भी पिंक कलर का, इसका लुक मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा कुछ यूनिक सा है और हसली सा लुक दे रहा है। पहले भी मेरे पास हसली टाइप की ज्वेलरी रही है, लेकिन उसका थोड़ा सा मैंने गोल्डन कलर में ली थी और उसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया था, इस वजह से मैंने फिर ये दूसरा सेट खरीदा। इसके साथ मिला है मुझे ये देखिए मांग टीका, और ये इसके साथ तो बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। ये मैं आपको पहन के जरूर दिखाऊंगी। और ये मिला है मुझे इयर रिंग, ये देखिए मैंने ये सेट पहन लिया है, और ये इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी सेट हैं, फिर मैंने सोचा कि बहुत लंबा ब्लॉग चला जाएगा, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कुछ और अपने ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाऊंगी। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ। मेरी ज्वेलरी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज अपने अच्छे अच्छे कमेंट करते रहा कीजिए, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।